फेमस रैपर और सिंगर बादशाह की बड़ी मुश्किलें। बावला गाने को लेकर बादशाह के खिलाफ केस हुआ दर्ज। दरअसल कंपनी ने बादशाह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें उनके गाने बावला के प्रोडक्शन और प्रमोशन के लिए जो पेमेंट तय किया था वो अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से सिंगर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। मुकेश खन्ना ने उड़ाया टाइगर श्रॉफ का मजाक। हाल ही में दिए इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने कई सितारों के अलावा टाइगर श्रॉफ पर भी भड़ास निकाली है। शक्तिमान बनने को लेकर मुकेश ने टाइगर के नाम को नकार दिया। उन्होंने कहा, माफ करिए लेकिन अगर टाइगर किसी बच्चे को कहेंगे कि टॉयलेट फ्लश करो तो बच्चा उन्हें कहेगा कि तू बैठ जा। वो बच्चों के सामने अब भी बच्चे हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो शक्तिमान बने। शक्तिमान समझदार और सीरियस रहता है। उसका कोई आयरन मैन की तरह कोई सूट नहीं है। उसका कॉस्ट्यूम 5 एलिमेंट से बना है। गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारा पहुंची निमृत कौर, जहां से उनकी फुटेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उन्होंने बहुत ही सुंदर सूट पहना है। माथा टेकने के बाद निमृत ने सेवा की और साथ ही पैपराजी को कड़ा प्रसाद बांटा। सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होगी ये फिल्म। हालांकि अभी तक फिल्म की ओटीटी रिलीजिंग डेट और प्लेटफॉर्म की ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। मेकर्स बाद में इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देंगे। श्रद्धा कपूर की फिल्म नागिन स्क्रिप्ट हुई तैयार। इंडिया टुडे से खास बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने बताया, हमें स्क्रिप्ट तैयार करने में 3 साल लग गए। साथ ही उन्होंने कहा, अगले साल तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। अभिषेक बच्चन की नई फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक का नया गाना गुम हो कहां रिलीज हुआ। एक गहरी भावना से बना है गाना, जिसमें अभिषेक और जॉनी लिवर की दमदार एक्टिंग दिखाई गई है। करीना कपूर खान ने अपने बच्चों के लिए शानदार पोस्ट किया शेयर, जिसमें वो अपने बच्चों को सिखाने के बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने लिखा, आखिरकार मुझे लगता है मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि दुनिया में प्यार सबसे अहम है। उन्होंने अपने बच्चे जय और तैमूर के लिए ये पोस्ट शेयर किया है। मालदीव्स की हसीन वादियों में ब्लैक बिकनी में पलक तिवारी ने ढाया कहर। पलक फिलहाल मालदीव्स में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है पलक की ये तस्वीरें। फिल्म बेबी जॉन में वरुण धवन का दिखेगा अलग अवतार। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर वरुण धवन काफी समय से अपनी फिल्म बेबी जॉन को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म में वरुण धवन का अलग अंदाज नजर आने वाला है। हाल ही में एक्टर ने पोस्ट शेयर कर फैंस को फिल्म की कुछ खास झलक दिखाई है। सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। पहले दिन ही लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई ये फिल्म। कहानी को मिल रहे हैं मिले जुले रिस्पॉन्स। ये एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन वाला फिल्म नहीं है, इसके वजह से ये फिल्म को देखने लोग नहीं जाएंगे। इसका नाम जो साबरमती रिपोर्ट है उसकी जगह पर गोधरा कांड रखना चाहिए। कोई कांड हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है।